नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईएस न्यूज। इधर अहमदाबाद में कांग्रेस कमेटी मुंडा पांडे द्वारा एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। मंगलवार को ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र पाल सिंह समेत कई कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी द्वारा एक ज्ञापन जिलाधिकारी मुरादाबाद को सौंपा गया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन 4 जनवरी 2022 मंगलवार को मुख्यमंत्री द्वारा शुभारम्भ किया गया, जिसमें निर्धारित रूटों का चयन हो गया है। मुंडा पांडे के ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र पाल सिंह ने बताया, कस्बा मुंडा पांडे मुरादाबाद जनपद से मात्र 18 किलोमीटर दूर है। नगर शासन ने 5 किलोमीटर पहले ही दलपतपुर तक का रूट चेंज किया है। कस्बे के आसपास से संपूर्ण ब्लॉक के किसानों का रोजाना आना जाना महानगर मुरादाबाद में लगा रहता है। इससे पूर्व जो सिटी बस महानगर मुरादाबाद में चलती थी, उसमें रूट नंबर 3 की बस मुंडा पांडे कस्बे तक जाती थी, जिससे क्षेत्र के किसान महानगर मुरादाबाद आसानी से आते जाते रहते थे। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक बसों का रूट मुंडा पांडे तक होना चाहिए, ताकि ब्लॉक के ग्रामीणों को आने जाने में सुविधा मिल सके। नाम बताइएगा। नरेंद्र पाल सिंह। क्या मामला है? ये जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो इलेक्ट्रिक बसें चली हैं, उनका रूट चेंज हो गया है। रूट दलपतपुर तक दिया है, जबकि पूरा ब्लॉक रामपुर सिविल लाइन से सटा हुआ है। पूरा मुंडा पांडे ब्लॉक के आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं, ना शासन देख रहा है ना प्रशासन देख रहा है। टेम्पू चलते हैं 3 पहियों के, वो 3 बजे 4 बजे छोड़ के भाग जाते हैं। लेडीज और जन जन आदमी है, मारा भटकता होता है। मेरा अनुरोध है कि इस रूट का संचालन मुंडा पांडे तक किया। यहाँ किसको ज्ञापन दिया? यहाँ DM साहब को। क्या मांगे आपके, क्या चाहते हैं आप? यही मांग की है कि इसको रूट जो बढ़ा के दलपतपुर जगह मुंडा पांडे।